Myself, Ankita Joshi. Children, today we will start our new lesson in English 1, lesson number 14, The Giving Tree. How do you feel when you help someone? आपको कैसा लगता है जब आप किसी को help करते हो तो आपको कैसा लगता है? You feel happy, okay? How do you feel when you share your things with others? तो आपको कैसा लगता है जब आप अपनी चीजें किसी के साथ शेयर करते हो तो फिर ऑफ कोर्स यू विल फील वेरी हैप्पी व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स. रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय. दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट ट्री. द ट्री ऑलवेज हेल्प्स द बॉय. जो ट्री है वो हमेशा हेल्प करता है. किसको हेल्प करता है? बॉयज को हेल्प करता है. जो बॉय है जो लिखेगा पिक्चर में उसको हेल्प करता है. नैरेटिव मीन्स क्या होता है? जो स्टोरी कहता है उसको बोलेंगे हम लोग नैरेटिव. नैरेटिव. वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट ग्रो एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय. एक बार क्या हुआ था? एक ट्री का. वंस देयर वाज अ ट्री. एक ट्री था जो एक लिटिल बॉय को बहुत लव करता था. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी. हर रोज वो बॉय है जो पिक्चर दिख रहा है आपको. बॉय आप देख रहे हो ना पिक्चर में, जो बॉय है वो हर रोज ट्री के पास जाता ही होता है. वो ही ऑलवेज विजिट द ट्री. वो हर रोज ट्री के पास जाता है और उसकी कंपनी वो एंजॉय करता है. ट्री. कम हियर माय बॉय. कम एंड क्लाइम अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस. अभी ट्री क्या बोलता है? जो लड़का है उसको ट्री क्या बोलता है? कम हियर माय बॉय. कम हियर माय बॉय. बॉय अब यहाँ पे लड़का तुम यहाँ पे आओ. तो लड़के को बोल रहा है कि लड़के तुम यहाँ पे आओ. सो कम हियर माय बॉय. कम एंड क्लाइम अप माय ट्रंक. कहाँ क्लाइम करने को बोल रहा है? ट्रंक पे. एंड स्वीप फ्रॉम माय ब्रांचेस. और जो ब्रांचेस है उसको बोले कि उससे तुम चूल्हे खाओ. स्विंग मतलब चूल्हे खाना, झूला खाना. ठीक है. सो कम हियर माय बॉय. कम एंड क्लाइम अप माय ट्रंक एंड स्वीप फ्रॉम माय ब्रांचेस. बॉय क्या बोल रहा है? बॉय क्या कर रहा है? स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस. जो बॉय है उसकी ब्रांचेस पे स्विंगिंग कर रहा है, मतलब झूले खा रहा है. व्हाट फन. उसको बहुत मजा आ रहा है. ट्री. आर यू हंग्री? ईट माय एप्पल्स. ट्री क्या बोल रहा है? अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम मेरे एप्पल्स खा सकते हो. तो ट्री कह रहा है आर यू हंग्री? ईट माय एप्पल्स. अगर भूख लगी हो तो तुम एप्पल्स खा सकते हो. मेरी कैन ईट माय एप्पल्स. सो बॉय ईटिंग एप्पल्स. बॉय एप्पल्स खा रहा है और क्या बोल रहा है? हाउ डिलीशियस. क्या बोल रहा है बॉय? हाउ डिलीशियस. कितना टेस्टी है. नाउ हियर नैरेटिव. व्हेन द बॉय वाज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री वाज हैप्पी टू गिव इट शेड्स. जब बॉय टायर्ड हो गया खेलते खेलते, बॉय जब थक गया तो उसने क्या किया? वो ट्री था उसके नीचे ही सो गया. जो पेड़ था उसके नीचे सो गया. एंड ट्री वॉज हैप्पी. जो ट्री था बहुत हैप्पी हो गया. उसको शेड दे रहा था, मतलब जो ट्री होता है अगर पेड़ है उसको छाया दे रहे, उसको छाया दे रहा है और वो बहुत खुश हो गया. सो ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड्स. बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. जैसे जैसे टाइम गया वैसे वो लड़का बड़ा होता गया. वो काफी टाइम तक वो पेड़ के पास आया नहीं, वो उससे दूर हो रहा. नाउ हियर द ट्री वाज ऑफन अलोन. ट्री क्या हुआ है? वो अकेला हो गया. वो बॉय था वो बड़ा हो गया तो ट्री बहुत अकेला हो गया. आफ्टर सम इयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वाज वेरी हैप्पी. अब कुछ सालों के बाद क्या हुआ? काफी सालों के बाद वो लड़का वापस ट्री के पास आया और तब वो लड़का बहुत बड़ा हो गया था तो ट्री उसको देख के बहुत खुश हो गया. सो वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वाज वेरी हैप्पी. ट्री क्या हो रहा है? अब देख रहे हो पिक्चर में, ट्री बहुत खुश हो गया उसको देख के. ट्री. कम माय बॉय. कम एंड क्लाइम अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस. वापिस ट्री से वही बोल रहा है, कम अप माय बॉय. कम. और बोला कि तू मेरी जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस मतलब क्या शाखा है, उससे झूला खाओ. तो बॉय क्या बोल रहा है? आई एम टू वीक टू क्लाइम एंड क्लीन. अब लड़का बोल रहा है
कि मैं बहुत बड़ा हो गया, साइंटिफिक मैं बहुत बड़ा हूँ, क्लाइंब नहीं कर सकता और खेल भी सकता नहीं हूँ. सो आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. आई वांट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन. वो बोल रहा है कि मुझे कुछ चीजें चाहिए, कुछ चीजें खरीदनी है और मुझे फन चाहिए. आई वांट एंड हैव फन. आई वांट सम मनी. अब उसको क्या चाहिए, उसको पैसे चाहिए. कैन यू गिव मी सम मनी. वो ट्री से बोल रहा है कि आप तो मुझे पैसे दे सकते हो, मुझे पैसे चाहिए, तो क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो. तो ट्री क्या बता रहा है, देखो I'm sorry, but I have no money. ट्री क्या बोलता है कि I'm sorry, पर मेरे पास कोई पैसे नहीं है. I have only leaves and apples. मेरे पास क्या है, सिर्फ leaves है और apples है. ट्री क्या बोलता है कि सिर्फ मेरे पास तो leaves है, यानी पत्ते हैं और apples है. You can pluck my apples and sell them in the market. अभी ट्री क्या बोलता है कि हाँ जो मेरे एप्पल्स है उसको तुम तोड़ के उसको मार्केट में बेच दो, देन यू विल हैव मनी. हाँ अगर तुमने जो एप्पल्स है उसको तोड़ के अगर तुम उसको मार्केट में बेचोगे तो उससे तो फिर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे. नाउ यू नैरेटर. द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरीड देम अवे. तो बॉय ने क्या किया, वो खुशी खुशी एप्पल्स उसने तोड़े और उसने फिर वो लेके गया. The tree was also happy. Tree भी बहुत खुश हो गया. But the boy stayed away for a long time and the tree was sad. One day the boy came back and the tree shook with joy. वापिस से क्या हुआ, वो तो एप्पल लेके चला गया. अब वापिस ऐसे किया, वो वापिस काफी टाइम तक वो आया नहीं, तो ट्री वापिस अकेला हो गया. तो वापिस ट्री सैड हुआ. ट्री वॉज सैड. फिर वापिस एक दिन क्या हुआ, वापिस वो लड़का वापिस आया ट्री के पास, तो ट्री उसको दोबारा देख के भी बहुत खुश हो गया. नाउ हियर, नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड. अब ट्री क्या बोल रहा है, ट्री अगेन ट्री सेज कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस, ईट माय एप्पल्स, प्ले इन माय शेड एंड बी हैप्पी. वापिस ट्री तो वही बोल रहा है कि लड़के तुम आओ मेरी ट्रंक पे क्लाइम करो, मेरी जो ब्रांचेस से उस पे झूला खाओ, ईट माय एप्पल्स, एप्पल्स खाओ मेरे, और यू कैन प्ले इन माय शेड, और मेरी जो छाए हैं उसमें तो खेलो एंड बी हैप्पी. नाउ अगेन व्हाट बॉय से, बाकी वो लड़का क्या बोल रहा है, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज. बोला मैं बहुत बिजी हूँ टू क्लाइंब ट्रीज. सो बॉय से ही इज टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज. आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माय वाइफ एंड चिल्ड्रन. बोल रहा है कि मैं शादी करने वाला हूँ तो मुझे घर चाहिए मेरे बच्चों के लिए और मेरी वाइफ के लिए. कैन यू गिव मी अ हाउस. क्या तुम मुझे हाउस दोगे. नाउ सी ट्री क्या आंसर दे रहा है, ट्री क्या बोल रहा है, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माय ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस. अभी ट्री क्या बोल रहा है, क्या आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर नहीं है, बट यू मे कट ऑफ माय ब्रांचेस. हाँ पर तुम मेरी जो शाखा है, जो डालियां है, पेड़ की जो डालियां होती है, ब्रांचेस है जो, उसको कट कर लो और उससे तुम अपना घर बना सकते हो एंड बिल्ड अ हाउस. नाउ सी नैरेटर क्या बोल रहा है, नैरेटर, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस. तो लड़के है उसने क्या किया, उसने जो ट्री की ब्रांचेस थे वो भी कट कर लिए और उसको ब्रांचेस से उठा के फिर अपने घर ले गया. द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. ब्रांचेस देने के बाद भी ट्री बहुत खुश था. ट्री वॉज वेरी हैप्पी बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन. पर फिर से वो लड़की ने क्या किया, ब्रांचेस लेने के बाद वापिस वो ट्री को मिलने आया नहीं. काफी समय तक वो ट्री को मिलने नहीं आया और वो ट्री अगेन बिकेम सैड. सो ट्री वॉज अगेन सैड. Now here and three. And when he came back after some years, जब वो वापिस आए कुछ सालों बाद, the tree was so happy that it could hardly speak. तो जब वो वापिस आया बहुत सालों बाद वापिस जब आया तो ट्री इतना खुश हुआ कि वो मुश्किल से बोल पा रहा था. वो मुश्किल से क्यों बोल पा रहा था, क्योंकि उसकी ब्रांचेस तो कट हो गई थी. Now the boy was a young man. अब वो जो लड़का था वो क्या बन गया, एक यंग मैन बन गया. ट्री कम बॉय कम
वॉट कैन आई डू फॉर यू। अब ट्री बोल रहा है यहाँ आओ लड़के, अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। आपने देखा स्टोरी में ट्री तो कुछ ना कुछ दे ही रहा है, हर चीज दे रहा है ट्री। नाउ यंग मैन क्या बोल रहा है, अगेन यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्री, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट। अब देखो ये यंग मैन क्या बोल रहा है कि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। कहाँ जाना है उसको, यंग मैन को बिजनेस ट्रिप के जाना है, बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है। तो क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, उसको उसके लिए क्या चाहिए, बोट चाहिए। तो ट्री से बोल रहा है कि कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दोगे। नाउ अगेन ट्री, ट्री ऑल आई हैव लेफ्ट इट इज अ ट्रंक, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बो। आपने देखा कि ब्रांचेस तो उसके पास थे, तो ब्रांचेस ले गया, तो ब्रांचेस से उसने क्या बनाया, घर बनाया। अब ये ट्रंक, तो ट्री ने बोला कि मेरे पास सिर्फ ट्रंक रहा है, सिर्फ ट्रंक ही है मेरे पास, तो तू मेरे ट्रंक से ट्रंक को काट लो और ट्रंक से तुम अपनी बोट बना लो। किससे बोट बनानी है, ट्रंक से, ट्रंक से तुम क्या बनाओगे, बोट बना लो, देन यू कैन सेल अवे, तो फिर तुम जा सकते हो। नैरेटिव, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन द बोट। अब क्या हुआ, नैरेटर क्या बता रहा है, जो यंग मैन है उसने ट्री का ट्रंक भी काट लिया और फिर उसने वो ट्रंक से क्या बनाई, बोट बना ली। ठीक है, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद द स्टंप। अब ट्री में क्या बचा है, सिर्फ स्टंप बचे और कुछ बचा नहीं, सिर्फ स्टंप बचा है। नाउ यू आर सी, एंड अगेन अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन। वापिस बहुत टाइम के बाद वापिस वो यंग मैन ट्री के पास आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। अब देखो अब वो क्या बन गया, जो लड़का था फिर वहां से यंग मैन बना, यंग मैन से वो लड़का क्या बन गया, ओल्ड मैन बन गया, बट ट्री उसको पहचान गया। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, ट्री उसको पहचान गया। ट्री, अब ट्री क्या बोलता है, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। अभी ट्री क्या बोलता है, जो लड़के उसको बोलते हैं फ्रेंड, वो उसको फ्रेंड बोल रहा है और बोल रहा है आई एम सॉरी, वो उसको बोलता है आई एम सॉरी फ्रेंड आई हैव नथिंग टू लेफ्ट टू गिव यू, अब मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है कि जो मैं तुम्हें दे सकूं, माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे एप्पल्स भी नहीं रहे अभी। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन क्या बोल रहा है, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, की मेरे दांत बहुत कमजोर है एप्पल्स खाने के लिए। तो ट्री क्या बोलता है, माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, कि मेरी ब्रांचेस भी नहीं है जिसपे तुम जुला खा सकते हो। ओल्ड मैन क्या बता रहा है, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ कि मैं ब्रांचेस पे जुला खा सकता नहीं हूँ। तो ट्री वापिस क्या बोलता है, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब, कि मेरा ट्रंक भी नहीं है तो तुम क्लाइंब भी नहीं कर पाओगे। तो ओल्ड मैन क्या बताता है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं बहुत थका हूँ क्लाइंब करने के लिए, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब। नाउ हियर सी ओ हियर व्हाट हैपेंड देयर, नेक्स्ट ट्री शाइनिंग, आई एम सॉरी, ट्री क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी, I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry. फिर भी ट्री क्या बोलता है, उसको इतना सब कुछ देने के बाद भी ट्री क्या बोलता है कि I'm sorry, कि अब मैं आपको कुछ भी दे सकता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है, मेरे पास सिर्फ क्या है, एक old stump है, इसलिए उसको बोलता है कि I am sorry. Old man, अब old man क्या बोल रहा है, Dear tree, you have always given. वो बोलता है अपने जो friend, dear friend, ये तो बोलता है, dear friend, you have always given. तुमने हमेशा मुझे दिया है. But now I don't need much. Just a quiet place to sit and rest. ये old man है, picture में आप देख रहे होंगे. ये old man है, जो लड़का था वो बड़ा हो के young man हो के old man बन गया. अब ये क्या बोलता है, तो
कि डियर ट्री यू आर ऑलवेज गिवन, ये ट्री को बोलता है कि तुमने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिया हुआ है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, बस एक चाम प्लेस चाहिए जिसपे मैं आराम से बैठ सकूं, रेस्ट कर सकूं. सो ट्री हैप्पीली, ट्री खुश हो गया. वेल एंड ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन. अभी ट्री क्या बोलता है कि वेल एंड ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग. जी ओल्ड स्टम्प है जिसपे वो ओल्ड मैन बैठा है, वो बेस्ट है, उसमें तुम आराम से रेस्ट कर सकते हो. Well, an old stump is good for sitting and resting on. Come, friend, sit down and rest. Close to brother, come friend. तुम यहाँ पे आओ और तो बैठ जाओ and rest करो. Sit down and rest. Narrator, the old man did and the tree was still happy. तो भी the old man tree ने stump पे आप देख रहे picture में, ये stump है. तो वो old man stump पे बैठ गया and again the tree was still happy. Tree फिर भी बहुत खुश था. Tree ने इतना सब कुछ दिया, वो boy को दे रहा था, boy से जब बड़ा young man हुआ तब भी उसने दिया उसको, जब वो old man बन गया तब भी उसने दिया. So tree was always happy. Adapted from the giving tree by Shel Silverstein. Children, I hope this lesson is very interesting. बहुत मजा आई होगी आपको. Now we will see our new words. SWING, swing, मतलब जुले खाना, delicious, tasty, pluck, मतलब तोड़ना, treat, मतलब journey, sail, stump, and recognize. Children, just read this lesson twice and thrice. Till then, thank you. Bye bye.